आवाज़ आ रहा है सभी को चलो जी यस सर वेरी वेलकम अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सेट ऑफ कर लिया है कैरी फॉरवर्ड कर लिया है से yes. राइट चलो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ इज अगेन व्हाट वी हैव डन एक मिनट के लिए जरा इधर आ जाइए अब नोट्स पे एक मिनट के लिए जरा इधर आ जाइए अब नोट्स पे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इंटर हेड एडजस्टमेंट दीज वे टू थिंग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पहला सैलरी देर कैनोट बी एनी लॉस एच पी केस में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पी जी बी पी में स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट देयर इनकम यस शॉर्ट टर्म अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन वेर एज लॉन्ग टर्म अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली लॉस फ्रॉम एन एग्जाम सोर्स कान बी सेट ऑफ वोइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस ओनली अगेंस्ट वोइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस इज द डन फिर आता है सेवेंटी वन Loss from any head can be set off against salary except PGBP and unabsorbed depreciation. Loss under the head of house property would not be allowed to be set off against income under the head if any assessee paid tax at concessional rate under section 115 BAC. However, if assessee excised to shift out of 115 BAC, the loss under the head of house property and the assessee. Has income accessible in any other head, the maximum loss that can be set off is rupees, two lakhs. The maximum loss that can be set off is rupees two lakh In other words, in such a case, the amount of loss exceeding two lakh would not be allowed to be set off against the income of any other head. Speculative specified kill pata hai? Loss from other head can be set off against capital gain, but loss from capital gain can't be set off against other head. Right? बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम थर्टी फाइव एडी से रिलेटेड इफ एस एस सी शिफ्टिंग आउट ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी द लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस सच लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड ठीक है मालिक फिर द फॉलोइंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज

साइंटिफिक रिसर्च याद आ रहा है क्या साइंटिफिक रिसर्च वो भी कौन सा याद है डोनेशन टू अदर्स क्योंकि डोनेशन टू अदर ही 115 एंड में अलाउड नहीं है याद आ रहा है क्या तो यहां पे लिखो साइंटिफिक रिसर्च डोनेशन टू अदर बराबर फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन अगेन आपको पता है 35 फाइव एडी के अंदर में एडिशनल अलाउड नहीं है तो उससे रिलेटेड जो अनएब्सॉर्ब्रीसिएशन uh, होगा वो भी अलाउड होने वाला नहीं है ये वही पॉइंट है सारे के सारे जो हम पूरे के पूरे पढ़ते हुए आए हैं इज दैट डन यस चलो जी फिर आता है नेक्स्ट कंसेप्ट कॉल्ड एज बोनस स्ट्रिपिंग देखिए ये कंसेप्ट तो है सेक्शन 94 नाइनटी 8 लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये बोनस स्ट्रिपिंग आखिर होता क्या है देखिए लोग क्या करते हैं लोग सिक्योरिटीज एक्वायर करते हैं थ्री मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट अब जैसे कुछ सिक्योरिटीज होती है जिनके कई बार इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि ये सिक्योरिटी बोनस देने वाली है ये सिक्योरिटी क्या करने वाली है बोनस देने वाली है बोनस शेयर इशू करने वाली है तो लोग क्या करते हैं भैया बोनस शेयर इशू करने वाले हैं मतलब ज्यादा शेयर मिलेंगे अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ और बहुत जल्द आपको ये देखने मिलेगा राइट पर उस टाइम पर क्लिक पे इस वीडियो को कोट मत कीजिएगा पर समझ लीजिए पूरा कंसेप्ट देखिए कोई भी शेयर का वैल्यू जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तो यहाँ पे या तो क्या किया जाता है शेयर को स्प्लिट किया जाता है या बोनस इशू कर दिया जाता है ताकि पर शेयर वैल्यू जो है वो क्या हो जाए कम और फिर लॉन्ग टर्म में वो वापस से इंक्रीज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जैसे वन सच शेयर की अगर मैं बात करूं नेस्ले बराबर है लगभग लगभग नेस्ले उन्नीस से बीस हजार रुपए पे पहुंचने वाला है इस टाइम पे दो ऑप्शन है मैक्सिमम पहले केस में वो स्प्लिट कर देते हैं या तो फिर बोनस लेके आते दोनों में से कोई तो एक ऑप्शन करते जिससे नंबर ऑफ बढ़ जाते और वैल्यू पर शेयर क्या हो जाती है डाउन बराबर है तो अब लोग क्या करते थे जैसे ही पता चलता था कि भैया क्या होने वाला है बोनस डिक्लेयर होने वाला है तो बोनस डिक्लेयर होने से तीन महीने पहले अगर आप कभी भी इस सिक्योरिटी को एक्वायर करते हैं और बोनस डिक्लेयर होने के नाइन मंथ्स के अंदर में आप कभी भी इसे क्या कर देते हैं सेल कर देते हैं तो ऐसे केस में जरा सोचिए क्या होगा आपने जो एक्वायर किया होगा वो हाई प्राइस पे होगा लेकिन जब आप सेल कर रहे होंगे तो सिक्योरिटी का प्राइस डाउन हो चुका होगा बराबर है एक तरफ तो आपको सिक्योरिटी का बेनिफिट मिल गया जो टैक्सेबिलिटी के बाहर हो गया क्योंकि आपको जब राइट right मिल रहा है तब तब कोई टैक्सेबिलिटी टैक्सेबिलिटी नहीं है है जब आप बेचोगे ना तो एक तरफ तो आपको राइट right मिल गया दूसरी तरफ आपने सिक्योरिटी को लॉस में सेल करके क्या कर दिया लॉस बुक कर दिया और टैक्सेबल इनकम भी रिड्यूस कर दी बात समझ में आ रही है सभी को राइट एक तरफ आपने क्या किया सिक्योरिटीज ले ली इस पे कोई टैक्सेबिलिटी आई नहीं, नहीं� लेकिन क्योंकि जैसे ही बोनस डिक्लेयर हुआ उसके बाद वैल्यू कम हो जाती शेयर की क्योंकि रिजर्व खत्म हो जाते तो की वैल्यू डाउन हो जाती उस टाइम पे आपने क्या कर दिया लॉस में बेच दिया एक तरफ तो इनकम ही बुक नहीं करी दूसरी तरफ टैक्सेबल से लॉस किया इस तरह से लोग टैक्स प्लानिंग किया करते थे तब जाके एक प्रोविजन आई थी बोनस ट्रिपिंग तब जाके एक प्रोविजन आई थी बोनस ट्रिपिंग सो मच ऑफ द लॉस मतलब लोग क्या करते थे अपने बोनस शेयर को रख ओरिजिनल शेयर को रख देते थे सॉरी अपने यू नो एडिशनल सिक्योरिटी को रख देते थे तो जितना जो लॉस था उसको क्या किया जाता था इग्नोर किया जाता था जो एडिशनल लॉस था उसको क्या किया जाता था इग्नोर किया जाता था लेट्स चेक एनी पर्सन बाय और एक्वायर एनी सिक्योरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट such person is allotted additional security without any payment on such security such person sell or transfer all the security or units within 9 months after such date while continue to hold the all or any additional security referred to in clause b then the loss if any arising on him on account of such purchase or sale shall be ignored तो ऐसा जो लॉस था वो सेट ऑफ नहीं करने देते थे उसको क्या किया जाता था इग्नोर किया जाता था तो रिकॉर्ड डेट से तीन महीने पहले आपने कोई सिक्योरिटी एक्वायर करी बोनस मिला रिकॉर्ड डेट के नाइन मंथ्स के अंदर में आपने वो सिक्योरिटी बेच दी वाई कंटिन्यू टू होल्ड द ओरिजिनल शेयर्स तो ऐसे तो केस के अंदर में जो लॉस आ रहा है इसे क्या किया जाएगा इग्नोर यस yes, फिर यहाँ पे रिकॉर्ड डेट का मीनिंग लिखा हुआ है दैट इज ऑफ नो यूज़ टू यू यूनिट्स का मीनिंग लिखा हुआ है दैट इज ऑफ नो यूज़ टू यू

Assessor exercising the option of shifting out of the default scheme and carrying on specified business can claim deduction under 35 AD in respect of the capital expenditure incurred, subject to fulfillment of condition. Any loss computed in respect of specified business can be set off only against the profit, if any, of other specified business. The unabsorbed loss, if any, will be carried forward and set off. अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस इन द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एंड सो ऑन आप जानते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है सी एस राइट तो वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है एक बच्चा फिर भी मेरे से पूछ रहा है सर व्हाट डू मीन बाई रिकॉर्ड डेट उम्मीद है आपने लॉन नहीं पड़ा है रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है ऐसे डेट जिस दिन डिविडेंट या बोनस क्या किया जा रहा है डिक्लेयर किया जा रहा है उसको कहते हैं बेटा रिकॉर्ड डेट ठीक है चलो कोई बात नहीं बराबर दर्न एब्स ऑफ लॉस कैन बी कैरियड फॉरवर्ड इनडेफिनेटली फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस रिटर्न शैल बी मैंडेटरी इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस क्या ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यस yes. एक मिनट रजिस्टर में कल आपने ऑलरेडी लिखा है सारी चीज एक मिनट के लिए उधर जाइए वहां पे देखिए स्पेसिफाइड बिजनेस दिख रहा है पीजीबीपी में पीजीबीपी में स्पेसिफाइड बिजनेस दिख रहा है कैरी फॉरवर्ड में पीजीबीपी में स्पेसिफाइड बिजनेस दिख रहा है दिख रहा है

फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फिर अन एब्सॉर्ड डिप्रीसिएशन फिर एब्जॉब फैमिली प्लानिंग ऑलरेडी डन ये तब यूज होगा जब हम पीजीबीपी कंप्यूट कर रहे हैं बट आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं इज दैट डन अब आता है सेक्शन 80 सेक्शन 80 क्या कहता है प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए अगर आपको पीजीबीपी लॉस कैपिटल गेन लॉस लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे भरना जरूरी है जो हम हर जगह लिख ना फाइल द द रिटर्न रिटर्न ऑन ऑन टाइम टाइम फाइल तो ये ये सारी जो बातें हैं लिखी हुई है सेक्शन 80 में लिखी हुई है तो सिंपल सी बात है अच्छा ध्यान से सुनिए कि कौन से कौन से लॉसेस की मैंने बात करी पहला लॉस पीजीबीपी दूसरा लॉस कैपिटल गेन तीसरा लॉस ओइंग एंड तो, मैंने दो लॉस की बात ही नहीं करी एच पी एंड्रीसिएशन क्योंकि उनका रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं भी किया अनएब्सॉर्ब के केस में तो रिटर्न फाइल नहीं भी किया तो भी हम क्या कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड मेक सेंस एस पर सेक्शन इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन केस ऑफ बिजनेस लॉस स्पेक्यूलेटिव लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैपिटल गेन ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस सीधे शब्दों में पी जी बी पी कैपिटल गेन

चलिए जी नेक्स्ट अगर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जनरल रूल ये है क्या बेटा जनरल रूल ये है कि जिसका लॉस वही सेट ऑफ करेगा क्या बोला बेटा मैंने जनरल रूल ये है कि जिसका लॉस वही सेट ऑफ करेगा भैया जिसकी लाठी उसकी बहस आपने तो सुना ही होगा राइट right? तो जिसका लॉस है वही सेट ऑफ करेगा लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है देर आर फाइव एक्सेप्शन टू इट पहला अमलगमेशन जब भी अमल गमेशन होता है अमल गमेटिंग कंपनी का लॉस अमल गमेटेड कंपनी क्या कर, off, कर सकती है सेट ऑफ कर सकती है सब्जेक्ट टू सर्टेन एंड कंडीशन विच नीड्स टू बी सेटिसफाइड सेम इन केस ऑफ मर्जर के केस में रिजल्टिंग कंपनी क्या कर सकती है लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है तीसरा है बिजनेस रिओर्गेनाइजेशन बिजनेस रिओर्गेनाइजेशन मतलब प्रोपराइटर कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है तो इस तरह के बिजनेस री में क्या किया गया है भले ही एस सेम ना हो पर फिर भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करने दिया गया है याद करिए अकाउंट्स एफ के अंदर में आप लोगों ने क्या किया होगा पहली चीज बेनिफिट्स ऑफ अमल गमेशन में हम लोगों ने यह चीज पढ़ी होगी कि अमल गमेशन का वन ऑफ द बेनिफिट है इनकम टैक्सेस में लॉस क्या कर सकते हो सेट ऑफ

इतना ही पार्ट आप हाईलाइट कर दीजिए लॉस ऑफ अमलगमेटेड कंपनी कैन बी कैरियड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय अमलगमेटेड कंपनी लॉस ऑफ डीमर्ज कंपनी कैन बी कैरियड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बाय रिजल्टिंग कंपनी कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्रेटर इन टू कंपनी प्राइवेट कंपनी टू एल एल पी और लॉस ऑफ अ बिजनेस एक्वायर्ड ऑन इनहेरिटेंस मान लीजिए फादर डाइड एंड सन इनहेरिट्स द बिजनेस क्या सन सेट ऑफ कर सकता है यस इज दैट डन बहुत हार्ड था ना चैप्टर बहुत हार्ड था कितना हार्ड था बाप रे कैसे करोगे चलिए अब आ गई है हमारी बारी क्या करने की बेटा प्रॉब्लम सॉल्व यस तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फटाफट सी यस अच्छा सुनो अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ जो तो बड़े राज की बात तो नहीं है

किसी ने पहने हुए <laughs> तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले आप प्रॉब्लम को अच्छे से देखेंगे जब आप प्रॉब्लम को देखेंगे कुछ स्टेप्स आपको बता देता हूं इससे आपका प्रॉब्लम्स बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा सबसे पहले ये देखो इनकम कौन कौन सी है मतलब सबसे पहले इनकम आइडेंटिफाई करो क्योंकि हमें इनकम से ही लॉस को क्या करना है सेट ऑफ तो सबसे पहले सिर्फ इनकम से लिखो और प्रॉब्लम में आय आए आय लिख देना हालांकि पेपर में लिखना अलाउड नहीं है फिर भी आप लिटिल मार्क कर सकते हो आय 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 या डॉट दे देना किसी भी तरीके से बराबर है इनकम के बाद बराबर है आपने क्या बनाना है फॉर्मेट, ध्यान से सुनना फॉर्मेट कैसा होना चाहिए टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इनका फॉर्मेट आप जब भी बनाओ हमेशा पर्टिक्यूलर एंड देर शुड बी थ्री कॉलम चाहे आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ध्यान से सुनना चाहे आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सेट ऑफ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो पेपर में आता है हमेशा पर्टिकुलर्स प्लस थ्री कॉलम वाला आपका फॉर्मेट होना चाहिए ताकि एक इंट्रा हेड एडजस्टमेंट एक इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और फाइनल अमाउंट आए ठीक है अब तीसरी चीज क्या करना है आपको आपको सबसे पहले इनकम मेंशन करना है ध्यान से सुनना

तेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे मैं से तक निहारने का। उसमें जो भी इनकम है उसको क्या कर देने का आइडेंटिफाई कर लेने का बराबर है डॉट बिंदु कुछ भी लगाओ जो पेपर में लगा सको राइट इसके बाद क्या करने का फॉर्मेट बनाने का तुरंत एक पेज पूरा मान के चल लेने का फॉर्मेट में जाएगा राइट पेपर की कमी नहीं अपन पैसे इसी के लिए दे रहे

नो सेट ऑफ केस ऐसे लॉस जो सेट ऑफ नहीं हो पा रहे या ऐसे लॉस जिसको डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड करना है उसके लिए आप क्या कर लो नोट लिख दो उसके लिए आप क्या कर लो नोट लिख दो आर यू गेटिंग द पॉइंट यस चलो वन टू थ्री स्टार्ट पहला बच्चा क्या करेगा जब भी आपको यह क्वेश्चन आया सबसे पहले इनकम आइडेंटिफाई करेगा कुछ तो डॉट लगा देगा इनकम है इनकम है इनकम है इनकम है इसके बाद क्या करेगा फॉर्मेट ड्रॉ करेगा फॉर्मेट कैसा होगा पर्टिकुलर रुपीज रूपीज पूरा पेज डेडिकेट कर देने का टेंशन नहीं लेने का इसके बाद क्या करना है इनकम मेंशन करना तीन स्पेस ब्लैंक छोड़ देना समझ में आया हैंडराइटिंग आपकी थोड़ी मोटी है तीन की जगह चार उसके बाद जितने लॉस एलिजिबल है वो क्या करना सेट ऑफ सेट ऑफ करते वक्त एक चीज ध्यान रखना क्या मैं इसे एक से ज्यादा जगह सेट ऑफ कर सकता हूं लेट मी गिव यू ब्रीफ एग्जाम्पल मान लीजिए कैपिटल गेन की इनकम है मैं आपको थोड़ा सोचना सिखा रहा हूँ आप समझना ये पॉइंट सबसे ज्यादा क्रूशल है लेट से कैपिटल गेन की एक इनकम है पीजीबीपी का भी लॉस है और एच का भी लॉस है सैलरी इनकम है कैपिटल गेन इनकम है पीजीबीपी लॉस भी है और एच लॉस भी है इनकम दो ही है सैलरी कैपिटल गेन लॉस दो है पीजीबीपी सॉरी uh, एचपी एंड पीजीबीपी यहां पे आपने क्या समझदारी करनी चाहिए पहले इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख दिया अब आई से से आप देखोगे की सैलरी से भी हो सकता है और कैपिटल गेन से भी हो सकता है बट ये भी तो सोचो कोई और भी लॉस है क्या हाँ कौन सा पीजीबीपी पीजीबीपी सैलरी से हो सकता है तो क्या ज्यादा सेंसिबल है पीजीबीबी को उठाओ कैपिटल गेन से सेट ऑफ करो एचपी को उठाओ सैलरी से सेट ऑफ करो पर ये केस टू केस बदलेगा ये बात समझ के रखना दिस इज नॉट अ थंब रूल यू एवरी टाइम हैज टू अप्लाई योर माइंड बिफोर सेटिंग ऑफ ऑफ एनी लॉस समझ में आया ये सिर्फ एक एग्जांपल है यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर माइंड सो दैट ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी शुड बी रिड्यूस्ड आर यू गेटिंग द पॉइंट यस चलो मालिक स्टेप्स हो गए वाह वा वा। चलो क्वेश्चन नंबर वन मैंने जो स्टेप्स बताए सबसे पहले चालू करिए फिर देखते हैं क्या करना है आप खुद चालू करिए इनकम तक तो आप लिख सकते हैं इनकम तक का प्रोसेस पूरा करो चलो Speed up. टू डी देखिए इनकम कौन कौन सी दिख रही है मेरे को मेरे को सबसे पहले एच पी दिख रहा है पीजीबीपी भी दिख रहा है कैपिटल गेन भी दिख रहा है कुछ चाय बिजनेस दिख रहा है कुछ डिविडेंड दिख रहा है इनकम तो मेरे को इतने ही दिख रहे भाई साहब डू यू अग्री डरना क्या उसमें जब कंसेप्ट पड़ा तो डरना असेसमेंट ईयर कंप्यूटेशन अग्रीड काश मुझे फॉर्मेट पता होता पर्टिकुलर्स एंड थ्री रुपीस कॉलम बराबर सबसे पहले इनकम फ्रॉम एचपी इनर कॉलम वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बराबर है ना मैंने तीन लाइन खाली छोड़ी मेरे हैंड राइटिंग के हिसाब से पी जी बी पी पी जी बी पी इनकम बेटा वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड सी एस फिर क्या है नीचे कहीं जाके मैंने तीन स्पेस और ब्लैंक छोड़ा ई e बिजनेस है हमारा बराबर है ना ई बिजनेस कितना है बेटा वन लैख थाउजेंड पर क्या वो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड ही होगा फोर्टी एट थाउजेंडी परसेंट ऑफ टोटल इनकम याद है ई बिजनेस के केस में सिक्सटी फोर्टी तो जितना बिजनेस इनकम होगा आप उतना ही टैक्स करोगे हिडन एडजस्टमेंट ये वो एडजस्टमेंट है जो आपको कंप्लीटली गलत करवाएगी चीजें यस yes? ऑब्वियसली हम यहां ये अज्यूम कर रहे हैं किस एस इज एंगेज इंड टू ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यस नेक्स्ट आगे चल के कुछ डिविडेंड भी दिख रहा है मेरे को आई एफ ओ एस में जाएगा क्या भाई साहब डिविडेंट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी कैरिंग ऑन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन बताइए इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज एग्जाम आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में है क्या उस कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड एग्रीकल्चरल इनकम बन जाएगा या इन्वेस्टमेंट इनकम बनेगा ये तो पक्की बात है ना इसको तो आप एग्जाम नहीं कर दोगे कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी था ब्रो मैं लिखना भूल गया कोई बात नहीं मैं कैपिटल गेन नीचे लिख दूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना बेटा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड लो भाई इनकम इनकम वाला पार्ट मैंने सब कुछ लिख दिया किसी को कोई तकलीफ यस yes. चलो अब लॉसेस की बात कर लें। पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉ एक्सप्लेन कीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस चलो एक काम करते सैलरी से सेट ऑफ कर देते एचपी से कर देते अरे पी जी से कर लो अरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कर लो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोलो मेरे साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पक्की बात फॉर्मेट गया तेल नेक्स्ट पेज पे जाओ लिखो नोट्स जो चीज सेट ऑफ नहीं हो सकती तुरंत नोट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सकतील बी क्या मैं कह सकता हूँ कैरीड फॉरवर्ड बिकॉज इट कैन बी शट ऑफ ओनली अगेंस्ट मैं ना बोलूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पक्की बात ब्रो कोई तकलीफ बुरा लगा नहीं बुरा लगा है तो लो पढ़ ले भाई ठीक है नेक्स्ट कोई और लॉस भी था भाई जीवन में ओ माय द गॉड्स करंट ईयर डेप्रीसिएशन है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है ओए 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 करंट ईयर डेप्रीसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पहले क्या माइनस करूं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फॉरवर्ड लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ पढ़ा है हमने yeah. पहले करंट ईयर डेप्रीसिएशन आएगा क्या ब्रो yeah. का से माइनस करूं चलो एचपी से माइनस कर लेता हूं का माइनस करूं करंट ईयर डेप्रीसिएशन डीईपी नहीं लिखने का पूरा लिखने का ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ये कुछ और भी बचा है धरती पे क्या बचा है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस लॉस इनकर्ड सिक्स इयर्स अगो बिजनेस लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है एट इयर्स इसको कितने साल हुए छह इयर्स क्या सेट ऑफ अभी भी कर सकता हूँ ले भाई ओके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना रुपए बेटा फोर्टी फाइव लिमिट तो है नहीं और कुछ बचा जीवन में नहीं तो चलो नेट चीजें बाहर निकालो इधर से एक पच्चीस बाहर निकालो इधर सेलक्यूलेटर सच क्यूट नो सच क्यूट कैलकुलेटर कितना है भाई वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड माइनस फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्सटी फोर थाउजेंड 64,000 में इनर कॉलम में ही लिख के इसमें 48 ऐड कर रहा हूँ इज इट वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड ब्रॉ इधर 80,000 बाहर हो जाएंगे। इधर 56,000 बाहर हो जाएंगे 56,000 प्लस 80,000 प्लस 125 टोटल वुडकम टू थ्री लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड सारे हेड की इनकम मिला के जो बना क्या बनेगा बेटा क्रॉस टोटल इनकम थ्री लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड डू यू अग्री और क्योंकि कोई डिडक्शन है नहीं हरकत नहीं इसको टोटल इनकम बोलने में भी समझ रहे हो ना करेक्ट है ना बेटा नोट बाकी है सर अभी भी बताइए और एग्जामिनर को क्लैरिटी देने के लिए आप क्या नोट लिख सकते हैं इसमें? बिजनेस अड़तालीस क्यों क्लाइंट से कुछ छुपाते नहीं तो क्लाइंट को हर चीज बताते भैया हमने या ऐसा किया तो क्यों किया नहीं किया तो क्यों किया क्योंकि क्लाइंट आपको पता कैसा है वो बिल्कुल आपके जैसा है हर चीज पे सवाल उठाएगा उसको भी प्रोफेशनल स्केप्टी हाँ सिजम मैं मैं कई बार इस वर्ड को बोलते हुए जिसम बोल देता हूँ प्रोफेशनल स्केप्टी जिसम हम हम कई बार ऐसा छेड़ते भी है एक दूसरे को <laughs> वो नहीं एक हाथ जेब में वाला आदमी <laughs> हम लोग कई बार चिड़ते भी है उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इट शुड बी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो उसको ये बताना बहुत जरूरी है लिखिए इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज अज्यूम्ड दैट असेसी इज एंगेज इन इज अज्यूम्ड दैट असेसी इज एंगेज इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी And that's why, sixty percent of such income. That's why, sixty percent of such income is treated as hmm, agriculture income. And forty percent is considered as PGBP. एंड फोर्टी परसेंट इज कंसिडर्ड एज पी जीवी पीस तो अगर आप ध्यान देंगे जो प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्मा पार्ट था पहली बार मेरे को आई विविडली रिमेम्बर हम लोग सब साथ थे कपिल सर थे दिल्ली से तो वो भी साथ में थे तो उनके सामने निकाल दो तो भाई जो पेट पकड़ पकड़ के हंसाए वो आदमी जो पेट पकड़ पकड़ के हंसाए बोले कभी सर बोल मत देना किसी के सामने ये वर्ड मैंने बोला सर मैं तो हर क्लास में बोल देता हूँ मासूमियत से मासूमियत से आप तो जानते हैं मैं कोई चीज़ इंटेंशनली नहीं बोलता तो मासूमियत तो आप जानते ही मेरी यस अभी देखो ऐसा भी होगा अभी नए नए बैच चालू होने वाले ना तो तुम्हारे पास कुछ नए नए बन भी आएंगे अभी तुम सीनियर हो गए ना रे अभी तुम सीनियर हो गए वो निब्बा आएंगे भैया ये क्लास किसके पास लगाओ दीदी ये क्लास किसके पास लगाओ तुम्हारा मन ना ऐसा बोलता रहेगा भाई एक बात बोलो स्टडी कर ले किसी के पास जा तू। <laughs> अच्छा, आपका दिल ये भी कहेगा कहने के लिए छोड़ दे मत कर मैं तेरे को बात तू कुछ भी कर ले भाई नहीं नहीं मेरे को फाउंडेशन में थ्री हंड्रेड प्लस हैं कितने आए तेरे को कितने आए तेरे को मुझे तीन सौ दस 361 थ्री सिक्सटी वन स्टील स्ट्रगलिंग बराबर है ही नहीं स्टील फास्ट ट्रैक चलो कैद मस्ती की बात अलग पहला क्वेश्चन आपने बहुत ईमानदारी से सॉल्व किया दूसरा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा सर मैं बोलूंगा विज्जू भैया के पास थैंक यू सर चलो ट्राई करोगे खुद से गलत होगा चलेगा मैं तुम्हारे साथ हूं गलत होगा चलेगा ट्राई कर पेज ही वेस्ट होगा अटेम्प्ट नहीं बहुत नहीं ऑर्डर ऑफ़ सेट ऑफ का नोट नहीं लिखना बेटा चलो जल्दी एक एक जन अच्छे से मैं भी सॉल्व कि तुम ट्राई कर रहे हो Is that dividend income 5000? भाई जी मेरा इनकम इनकम तो लिख के हो गया प्लीज़ आप भी चेक कर लीजिए मैं कहीं गलत हूँ तो सुधार दीजिएगा पहले सैलरी लिखा हूं मैंने थ्री लाख फिर मैंने शुगर बिजनेस लिखा हूं फिफ्टी थाउजेंड फिर मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा है फोर्टी थाउजेंड फिर हमने डिविडेंड लिखा है फाइव थाउजेंड फिर हमने लॉटरी इनकम फिफ्टी थाउजेंड कार्ड गेम सिक्स थाउजेंड ठीक है और बैंक इंटरेस्ट फाइव थाउजेंड मैं इतना ही लिख पाया मैं कहीं गलत हूँ आप भी ठीक हो ठीक yes. है अब लॉस पे चल लेते हैं पहला लॉस है एचपी लॉस दूसरा लॉस है आयरन और बिजनेस का डिसकंटिन्यूड बिजनेस है फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है भाई साहब मेरे को लगता है पहले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का आंसर बड़ा क्लियर है क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता है तो जो विजिबली बहुत इजी है पहले वो कर लो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे मैक्सिमम फोर्टी थाउजेंड तक के सेट ऑफ मार पाएगा तो कैपिटल गेन तो आ गया नील हम सबको याद रखना होगा बैलेंस लॉस नीड्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड क्योंकि कैपिटल गेन का लॉस किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ होता नहीं क्या तुम्हें ये याद है तो डोंट यू थिंक मैं तुरंत ही अगले पेज पे इस पे एक नोट भी डाल दू भैयासी को बताना पड़ेगा ना क्या कर रहे हैं हम बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड शैल बी कैरियड फॉरवर्ड सी और एफ मत लिखिएगा कैरियड फॉरवर्ड पूरा लिखिएगा ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है यहाँ नहीं चलती तो पूरा कैरियड फॉरवर्ड लिखना ये बेसिक गलतियां सुधारना नहीं तो हाफ ऑफ मार्क करके बहुत सारे कट जाते हैं वो अकाउंट्स में चलते हैं जी सर पहले अगर हम वो कर ले तो बहुत बढ़िया ठीक है देखिए हमारे पास दो ऑप्शन थे एक था शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर हंड्रेड एंड इलेवन ए और एक था हमारे पास सीधा सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नॉर्मल वाला बराबर है आप चाहते तो आप क्या कर सकते थे वो भी सेट ऑफ कर सकते थे बिल्कुल सेट ऑफ कर सकते थे लेकिन आप उसे क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कोई भी कैटेगरी का हो हंड्रेड एंड एलेवन है या नॉट बराबर है दोनों का कैरी फॉरवर्ड पीरियड तो एट ईयरस ही है ना तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला बट ये सीधा सीधा पूरा फोर्टी थाउजेंड एब्जॉर्ब हो रहा है ना तो हम वो वो कर दिया हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एक और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है बराबर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111 ए शैल बी कैरीड फॉरवर्ड शैल बी कैरीड फॉरवर्ड येस चलिए आगे का सॉल्व कीजिए चलो डने बेटा आगे बढ़े आगे क्या किया बताओ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिख रहे हैं यहां पे किससे सेट ऑफ करूं कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों सैलरी से क्यों पीजीबीपी से कर देता हूं क्या तकलीफ है भाई भाई मैं पीजीबीपी से कर देता हूं क्या तकलीफ है आपको भैया हमारे पास एक और लॉस दिख रहा है आयरन ओर का हम वो सेट ऑफ करेंगे तो यहां से पहले एच लॉस हटा दीजिए आप बराबर कितना है भाई साहब एच लॉस इज इट फोर्टी थाउजेंड ब्रो चलो फोर्टी थाउजेंड माइनस करो Done. फिर लॉस फ्रॉम आयरन और बिजनेस भी दिख रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो सिर्फ सेम हेड से ही सेट ऑफ हो सकता है तो पूरा पचास हजार रुपए आप सेट ऑफ कर देंगे बैलेंस लॉस के लिए नोट डालनी पड़ेगी बराबर है एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम वाला नोट डालना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम इज exempt अंडर सेक्शन टेन वन कोई और तो दिख नहीं रहा भैया मेरे को लॉस कुछ और बचाए क्या एक बार देख लो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया कि सर जो बिजनेस लॉस है आयरन और का वो हम बचे हुए इनकम से क्यों सेट ऑफ नहीं कर सकते जैसे बैंक इंटरेस्ट हो गया डिविडेंड हो गया मेरा भाई कुछ भूल रहा है क्या बताइए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सिर्फ सेम हेड से ही सेट ऑफ़ हो सकता है नहीं तो हमारे पास कई ऑप्शन थे उस चीज़ को करने के लिए आप समझे इसीलिए नहीं हो सकता आई थिंक इट इज़ डन बेटा चलो क्लोजर करो इज इट थ्री ट्वेंटी सिक्स इज अट डन अच्छा कुछ बच्चे ऑनलाइन हैं जो मेरे से पूछ रहे हैं कि आ, सर आपने जो आ, ल, लॉटरी इनकम है और कैजुअल इनकम है इसको आपने नेट क्यों नहीं किया बेटा ग्रॉस इनकम टैक्स होती है नेट नहीं किया जाता रादर नेट है तो उसे क्या किया जाता है और जो टी जो टीडीएस कटा होगा वो टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस होता है yes, इसलिए हमने वो नहीं किया बराबर है यस yes, बेटा वो अपलोड हो जाएगा आयुषी एंड सचिन डोंट वरी ये अपलोड कर देंगे हम लोग आज से सभी को क्लियर है बेटा बताइए और कौन सी चीजें जिस जिसपे आपको नोट देना चाहिए एक नोट खुद के लिए लिखो माइन नोट करके एग्जाम में मत लिखना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद इन द सेम हेड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद इन द सेम हेड ठीक है एक बच्चा पूछ रहा है सर सर आपने ए टी 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 ए का डिडक्शन क्यों नहीं लिया बेटा पहली बार आपको प्रॉब्लम में सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम बोला है तो जब टोटल इनकम बोला ही नहीं मैं डिडक्शन लूँगा क्यों ये पहली बात जितना फीस उतना काम दूसरी बात दूसरी बात ए टी 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 ए का डिडक्शन तब मिलता है जब अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो वो एफ डी का इंटरेस्ट है नहीं मिल सकता ये उसके दो रीजन है नेक्स्ट सवाल राइट नहीं मनन हमने हर हेड के लिए सेम रूल किया है एक बच्ची है सौम्या जो कह रही है सर आयरन और तो स्पेसिफाइड बिजनेस हुआ ना नहीं आयरन और स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है उसमें लेइंग एंड ऑपरेटिंग स्लरी पाइपलाइन स्लरी पाइपलाइन लगाना स्पेसिफाइड बिजनेस है आयरन और बिजनेस स्पेसिफाइड नहीं है ठीक है चलो जी

जी क्या बोलते हो मालिक क्या रहा है आंसर कितना आ रहा है आंसर बोलो बोलो कोई भी जवाब नहीं निकल पाया अभी तक हे भा माता जी इलेवन लैक नाइन्टी वन थाउजेंड टू फोर्टी एक जवाब हम्म मिस्टर ए फर्निश्ड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी भैया टैक्स लाइबिलिटी भी बोल दिया फॉर द असेसमेंट ईयर विद रीजन फॉर योर कंप्यूटेशन अज्यूमिंग दैट ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट स्कीम ठीक है प्रॉब्लम नंबर थ्री मिस्टर ए असेसमेंट ईयर फोर ट्वेंटी फाइव कंप्यूटेशन बोलो क्या है बेटा सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्लाइंग द व्हीकल कंप्यूटेड एस पर बुक्स लिखा हुआ है ठीक है इज इनकम फ्रॉम प्लाइंग वहीकल थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड ऑलरेडी कंप्यूटेड लिखा है ये लिखो नेक्स्ट इनकम फ्रॉम रिटेल गारमेंट्स रिटेल ट्रेड ऑफ द गारमेंट सेवन लैख फिफ़्टी थाउजेंड अगेन कंप्यूटेड एज पर बुक्स सेल्स टर्न ओवर भी हमें क्या किया गया है दिया गया है यस तो इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस कियावन लैख फिफ्टी थाउजेंड टोटल कितना हो गया टेन लाख सेवेंटी थाउजेंड अगर मेरा मैथ्स इतना भी गलत नहीं है तो इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड डिप्रीसीशन माइनस करेंगे हम लोग कितना या बेटा बैलेंस नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड सिंस यू हैव शिफ्टेड आउट आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी फिर वन ज़ीरो सिक्स फाइव डबल ज़ीरो इसमें ऐड करेंगे एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट फोर टू सिक्स जीरो वन वन जीरो सेवन सिक्स ज़ीरो डू यू अग्री please write down a note please write down a note in case of retail business in case of retail business 10% of turnover is received in cash Ten percent of turnover is received in cash. Therefore, therefore thirteen lakh fifty seven thousand thirteen lakh fifty seven thousand into इंटू एट परसेंट दैट इज कितना होता है देखो बेटा थर्टीन लाख फिफ्टी लैख्टी सेन लैख एट थाउजेंड फाइव सिक्सटी एंड बैलेंस टर्नओवर बैलेंस कितना बच रहा है वन करोड़ ट्वेंटी टू लैख थर्टीन थाउजेंड शेल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट यू अग्री सेवन थ्री टू सेवन एट जीरो ज द टोटल कमिंग टू एट लैख फोर्टी वन थाउजेंड थ्री फोर्टी डब्लू डब्लू अरे टेन परसेंट ऑफ टर्न ओवर इन कैश है ना बेटा प्रॉब्लम में देखो ना तो टर्न ओवर का टेन परसेंट इज थर्टीन लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड का एट परसेंट लूंगे ना आप ऐसा क्या कर रहे हैं क्या आपका टोटल आ रहा है एट फोर्टी वन थ्री फोर्टी यस लिखिए हाउएवर द इनकम कंप्यूटेड एज पर बुक इज सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड हाउवर The income computed as per book is 7,50,000, which is to be further reduced by depreciation of 1 lakh, which is further reduced by depreciation of rupees 1 lakh. Now, since the income of the

कैन अडॉप्ट लोअर इनकम एस एस सी कैन अडोप्ट अर इनकम वेट अट क्या किया हमने समझा बेटा आपके सवाल का जवाब हम अगर 44 फोर एडी से निकालें तो उसका इनकम आता है एट लैख फोर्टी वन थाउजेंड थ्री फोर्टी जबकि उसका ऑलरेडी कंप्यूटेड इनकम है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी आपके हिसाब से क्या लेना चाहेगा वो 750. तो हमने लिखा ही कैन अडॉप्ट क्योंकि आपको ऑप्शन रहता कि आपकी इनकम इनकम टैक्स को शो करो एट फोर्टी वन या आपको रहता है सेवन फिफ्टी आप क्या करते सेवन फिफ्टी अडोप्ट करते रैशनल टैक्स पेयर नेक्स्ट पॉइंट एक और नोट लिखो फॉर प्लाइंग बिजनेस For applying business, the income shall be calculated as the income shall be calculated as seven thousand five hundred into five into twelve, which will come to 4,50,000 बराबर है अब हमारी कंप्यूटेड कितनी है थ्री ट्वेंटी वॉट यू वुड हैव टेकन थ्री ट्वेंटी प्लीज राइट डाउन सिंस कंप्यूटेड बुक इनकम इज लोअर सिंस कंप्यूटेड बुक इनकम इज लोअर असेसी वुड हैव टेकन दैट लोअर इनकम असेसी वुड हैव टेकन इनकम बरेबरे एक और पॉइंट लिखो सिंस अज शोइंग अ लोअर इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट नीड्स टू बी ऑडिटेड कुछ याद आ रहा है क्या दो हमने पीजीपी पी नहीं पढ़ा एक बेसिक पॉइंट आपको याद आना चाहिए लिख के रख दीजिए पीजीपी में वापस रिपीट कर दूंगा सिंस We are showing a lower profit, since we are showing a lower profit Assassi shall maintain books of accounts. Assassi shall maintain books of accounts. And get them audited. बराबर है नीचे एक और नोट लिखिए फर्दर इफ असेसी हैड ऑप्टेड इफ असेसी हैड ऑप्टेड प्रिजमटिव इनकम नो डिडक्शन अंडर थर्टी टू थर्टी एट वुड बी अलाउड No deduction under 30 to 38 would be allowed. So, we could not have deducted depreciation. We could not have deducted depreciation. And in that case, the tax liability would have been. And in that case, tax liability would have been. रिटेल ट्रेड से था एट फोर वन थ्री फोर जीरो चेक करो एक बार जीटीए बिजनेस से था फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड बराबर है आपकी इनकम कितनी आ जाती थी देखो अब इसमें से क्या आप डिप्रिसिएशन माइनस कर पाते थे नहीं तो वन टू नाइन वन थ्री फोर जीरो आपकी इनकम बन जाती थी और इस पर आपका टैक्स कितना आता था वन लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन जीरो टू एज पर द ओल्ड स्कीम चेक कर लेना मेरे से ये मत पूछना आप कैसे आया फिर सेवन डबल नाइन सिक्स तो आपका टैक्स आता था टू जीरो सेवन एट नाइन एट इसको राउंड ऑफ करना पड़ता था टू जीरो सेवन नाइन डबल जीरो पे आप सोच के देखिए मैंने डायरेक्टली वो क्यों सॉल्व किया क्योंकि उससे एस एस की टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है बात समझ में आई सभी को इसलिए मैंने वो सॉल्व किया और बाद में आपको वापस सॉल्व करके ये बात बताई इज डन डन यहाँ हमारा सेट ऑफ क्या होता है बेटा जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे फेस टू फेस वालों को पता है आ, मेरे को कॉल आया है एंड जो तबीयत है वो शायद थोड़ी सी और ट्रंबल हो रही है मेरे को शायद तुरंत निकलना पड़ेगा ठीक है और आ, मुझे भी नहीं पता मेरे घर वाले कंटिन्यूसली कॉल किए जा रहे हैं या कुछ हुआ भी है तो मेरे को नहीं मालूम अभी बट मैं आपका लेक्चर बीच में नहीं छोड़ना चाहता था तो मैंने आ कर के पहले इसको पूरा कम्प्लीट कर दिया एंड देन मैं अभी पर्टिकुलर वीडियो से लीव लेना चाहूँगा विथ योर ऑल परमिशन राइट ओके यू इन द नेक्स्ट वीडियो